डन। मारूश नूर आपकी कहानी सुन रही है, नूर रिलेट कर रही हो जो मारूश कह रही है, क्योंकि मैं तो इसलिए तफसीलन कहानी सुनना चाह रही हूँ कि यार क्या क्या गुजरता है इंसान। मुझे मैं बहुत दफ़ा मिली हूँ मारूश को, मैंने इनकी बेटी को भी के साथ भी इनको देखा है, बट आई नेवर न्यू दैट ही इज़ गॉन थ्रू सो मच पेन। अल्लाह ताला इनको इसी तरह मजबूत रखे। मैं अभी जब आपका शो स्टार्ट हो रहा था तो मैं सोच रही थी कि औरत को ना अल्लाह ताला ने बड़ा एक वो दिया है, यू आर लाइक स्पंज नहीं होता जिसके अंदर पानी डालते भी जाओ तो नजर वो ठीक आ रहा होता है, उसको निचोड़ो तो इतना ज्यादा पानी निकलता है अंदर से। मतलब आप ऑब्जर्व करते जाते हैं, करते जाते हैं, और ये अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी होती है। सी मैं जैसे मारोश ने किया, दो चीज़ें मुझे इनकी भी कहानी में नजर आती हैं और जो मैं अपनी अपनी लाइफ से वो देखती हूँ। आई गॉट सेपरेटेड व्हेन फातिमा वाज 1 month ओल्ड, और दैट वाज माय डिसीजन बिकॉज मुझे लगता था, एक तो वैसे भी जैसे जी मैंने खुला ली थी क्योंकि देखिए ये मारोश की भी जब आप एक तो प्रेगनेंसी के दौरान ना आप वैसे ही वो एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन और वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हार्मोन जैसे हुए होते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही थी उस टाइम पे, शायद मेरी तरह से वो था, लेकिन मैं जज्बाती भी थी और कुछ चीज़ें थी जिस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सक रही थी। और मैंने ये बहुत सोच समझ के, सब ने मुझे कहा बेटी है क्या करोगी, वो छीन लेगा, वो ये हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। देन ऑब्वियसली मैं डिपेंडेंट थी अपने एक्स हस्बैंड के ऊपर और मुझे बहुत सी बातें थी, लेकिन मैंने ये देखा कि अगर मैं खुश नहीं रहूँगी, अगर मैं हेल्दी नहीं रहूँगी तो मेरी बेटी हेल्दी नहीं रहेगी, ठीक है। प्लस जब मैं सेपरेटेड हुई उसके बाद मैंने सबसे पहले ना ये अपनी अम्मी को भी कहा, घर वालों को भी कहा, सेल्फ पिटी में चले जाते हैं हम कि हाय बेचारी मैं, हाय मेरे नाल आया हो गया, हाय मैं, ये नहीं जाना किसी भी सिचुएशन में ज़िंदगी में। मैं आप सब खवातीन को कहूँगी किसी सिचुएशन में बेचारगी नहीं दिखानी। आप बेटा मैं आपका देख रही थी, आपको हो रहा था, हर बच्ची को होता है कि काश मेरे बाबा होते, लेकिन अगर आप देखें तो सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाते हैं इस दुनिया में तो उनके अब्बा नहीं थे, तो वालिद मोहतरम नहीं थे, तो उनसे बड़ी यतीमी किसने देखी है मेरी जान। सो द पॉइंट इज़ अल्लाह ताला ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, अपने आप को आप सेल्फ पिटी में बिल्कुल ना जाए। अच्छा नूर, जहाँ तक मुझे पता है जैसे वो बता रही हैं कि आपके साथ भी तो ये हुआ था ना कि मेरी तो बेटी नहीं है शुरू में, नहीं ऐसा कुछ अबैंडन करने का, यू नेवर नॉट फेस दैट, ही नेवर इवन वांटेड कि मैं फुला लूं। अच्छा, और वो अभी तक वी आर इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप, बड़े अच्छे दोस्त हैं हम, इसीलिए मैंने वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने अम्मी को भी कहा कि देखिए सेल्फ पिटी में ना मुझे जाना है ना मेरी बेटी को कहेगा कि हाय हाय तेरे पे वो तलाक, किसी को भी मैंने कहा, हमारे घर में ये माहौल ही नहीं था। तो वो पहले दिन से उसको पता था, वो वीकली अपने डैड से मिलती थी जाके हैप्पीली, उसको ये पता था कि ये सब चीज़ें हैं। देखिए गोरे क्या करते हैं, गोरों में तो बहुत ज़्यादा है ना, आप सेपरेशन हो जाती है, सिंगल पेरेंट होते हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं कॉम्प्लेक्स्ड होते हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं इस तरह से होते, डिप्रेशन का शिकार होते, वो इसलिए नहीं होते बिकॉज वो बड़ी नॉर्मल लाइफ होती है, डैड से भी मिलने जा रहे हैं, मारूश की कहानी एक और पैटर्न की कहानी है, अबैंडन, टोटल अबैंडन शुरू से सोशली, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पेरेंट सोशली, तो उसने ये भी बताया कि लेजिटिमेसी ऑफ द किड को भी टॉपिक गोज टू डिफरेंट, वो लेकिन यू आर ब्लेस्ड हो जाता है, यू आर अ ब्लेस्ड, आई वाज अ ब्लेस्ड, बट द पॉइंट इज ब्लेस तो आप एक साइड पे देखना, लेकिन सिंगल पेरेंट में मुश्किलें भी होती हैं। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यहाँ पे ये कर रही हूँ, जब आप पहली चीज ये होती है, जब तक आप अपने आप को सेल्फ पिटी में, मैं भी गई एट टाइम्स, आप रो भी रहे होते हैं, आपसे बहुत सारी चीजें होती है जो आप अकेले नहीं कर सकते, आप इस चीज से गुजरती हैं, अक्सर आप गिव अप कर देते हैं, लेकिन यू डोंट हैव टू गिव अप, ठीक है। पॉइंट इज जितना पॉजिटिव आप रहेंगे आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, ठीक है। लेकिन नूर उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि फातिमा को उसके वालिद ने मुकम्मल ओन किया, जो मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने कहा, उन्होंने उसको घर लेके दिया, एक घर उसके नाम किया, उन्होंने उसकी खर्चा, उसका उसको कफालत पूरी की पूरी, वालिद इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ हर रिस्पांसिबिलिटीज, नॉट ऑल ऑफ हर बट या मोस्ट ऑफ हर रिस्पांसिबिलिटीज, मोस्ट ऑफ हर रिस्पांसिबिलिटीज, ओके। सो दैट मींस कि उसके साथ फिर जो इमोशनल ट्रॉमा है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, बच्चे को ये एहसास होता है कि मुझे अबैंडन नहीं किया गया। नहीं, बच्चा तो 5 साल का है ना, उसको क्या पता है इमोशनल ट्रॉमा का, दैट टाइम इमोशनल तो मेरे साथ होगा ना। देखें अगर सपोज आपको क्या होता है, अकेला पेरेंट जो होता है सबसे पहले तो ये होता है सोसाइटी, हमारी सोसाइटी ये करती है कि आपको देखेगी, वही मैं पहली बात कर रही हूँ कि जो बच्चे को होता ना, हाय बेचारी, फिर ये मैंने उसको फीलिंग ही नहीं दी कि शी इज नॉट बेचारी, ठीक है, गॉट अ मदर, शी इज गॉट अ फादर, ठीक है, दे लिव सेपरेटली, अब्बा जान का ये टाइमिंग है, मम्मा काम करती हैं, ये करती हैं, ये बहुत जरूरी है हमारे बच्चों को सिखाना। हम ये होता है कि एक बच्ची अगर कोई सेपरेटेड होगी जिसका बच्चा है तो घर में ही ताने दे दे के ना आधा, तो उसको बीवी को, लड़की को भी और बच्चे को भी,
लेट्स कम टू दिस वो मैं एक सवाल रखते हुए आपके लिए ब्रेक के पास जाती हूँ. मैं अपने घर की अपनी बात कोट करती हूँ. मैं काम कर रही थी और मैंने देखा कि मेरे चूंकि बहनों के बच्चे हैं और वो सब आपस में मिलते जुलते हैं, जो छोटे हैं और दे डोंट नो. बच्चे छोटे मासूम होते हैं, उनको क्या पता कि बहुत सारी चीज़ों का. खेल रहे हैं और खेलते खेलते वो मेरा बेटा लगा हुआ है उस पर, तो वो उससे कहता है कि पता नहीं क्या बात है, मेरे बाबा आ रहे हैं. तो साथ ही मेरे उसने नेफ्यू ने पूछा मेरे बेटे से, तुम्हारे बाबा कब आएंगे. अच्छा, वो खेलते खेलते उसका हाथ एक सेकंड के लिए रुका एंड देन ही रिज्यूम. सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एंड क्वेश्चंस के बच्चे इस सवाल का क्या जवाब दें और हाउ टू टेल देम कि इस मामले से डील कैसे करना है. सो एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे. यानी जो बच्चे जो इस सेंसिटिविटी में से गुजरते हैं कि जैसे वो रोपड़ी बेचारी, मैं रोपड़ी, नूर हमें आना के समझा रही है कि नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है, पर अपनी मर्जी से रोता है. नहीं नहीं रोए आप, लेकिन अल्लाह के सामने रोए ना, लोगों के सामने ना रोए. दैट्स माय पॉइंट. हो सकता है जवाब सही हो सकता है. मैं बहुत रोती हूँ. अब मैं पहले सबके सामने रोती थी, मैं आप सिर्फ उसके सामने रोती हूँ जिसने मेरे लिए कुछ करना भी है. किसने और करना है? लेकिन इस वक्त भी अल्लाह ही है. लेकिन आप प्रॉब्लम जरूर बताएं कि एक तो मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक तो ये जरूर बताएं कि बच्चे पे क्या इफेक्ट होता है और ये भी बताएं कि पेरेंट जो बेचारे सिंगल पेरेंट हैं या सिंगल पेरेंट हैं उनको क्या करना चाहिए. हाउ टू हैंडल ऑल दिस. स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि बच्चा जो है जो इस मामले का एक मजलूम मासूम फैक्टर है उसको हैंडल कैसे करना है. क्योंकि वजह से उसने भी कहा माँ ने सब कुछ किया है लेकिन उसके अंदर एक कमी है. क्या वो कमी को पूरा किया जा सकता है, क्या उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए या नहीं, ये नेचुरली है और इसको कैसे एड्रेस करें. अच्छा देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो मैं समझ पाया हूँ सिंगल पेरेंटिंग को ऐसे तमाम केसेस को देख के, कि बहुत अरसा गुजरने के बाद भी इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया होता. बच्चों ये एक बहुत बड़ी हकीकत, मैं फीमेल्स और मेल्स की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स यानी आगाज ये तारे तो बच्चे के साथ जाके जुड़ जाती है ना, वालदैन की. जब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये भी एक हकीकत है, ठीक है, रिश्ते बनते भी हैं, रिश्ते टूटते भी हैं और बाज़ औक़ात आपको सिंगल भी चलना पड़ता है. हाँ. इस मंजिल पे, इस ट्रैक पे आपको चलना पड़ता है अकेले. आपकी जो एक्सेप्टेंस है ये कबूल कर जाना कि ये मुझे इसी तरह चलना है, आपकी पेन को कम कर देता है. यानी डिनाइल में से निकले, सेल्फ पिटी में से निकले और आप कबूल कर ले कि अच्छा आपने चलना. अगर आप लिखते रहेंगे ना यहाँ पे तो हमें समझ आना आसान होता जाएगा. वन गो में फिर इसको कर देता हूँ. अच्छा अब देखिए, जो कबूल करना है ना उसका मतलब ये है कि फिर आपके पास कबूल करने के बाद एक्सेप्टेंस के बाद गिला जरा कम हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. हमें मानना पड़ेगा बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है, लेकिन ये देख लीजिए इसका सोल्यूशन क्या है. मुझे एक बड़ा खूबसूरत वाक्या आज के लिए मैंने संभाला हुआ था कि हजरत अली के पास एक शख्स चला गया और जाके कहने लगा कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती होगी, फलां फलां ने बड़ी ज्यादती की. आपने कहा सब्र कर. थोड़ी देर गुजरी, उसने फिर कहा कि मेरे से रहा नहीं जा रहा, ये देखें फलां फलां मेरे साथ ज्यादती होगी. आपने फिर कहा सब्र कर. तीसरी बार जब उसने कहा तो आपने, आपका इरशाद बड़ा आला, आपने फरमाया याद रखो कि अब मुश्किल तुम पे भड़ के आएगी क्योंकि तुमने सब्र नहीं किया. ये जो सब्र है, ये कबूल कर लेना, ये बजाते खुद आपकी मुश्किल और परेशानी को कम कर देता है. ओके. सो कहीं मुश्किलों को बढ़ाना. आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमारा ये चैलेंज सिंगल हो जाना, उसके बाद सबके सब ऊपर ऊपर से अफसोस करने के लिए भी आ जाते हैं. यानी गम तो है ही है लेकिन उस गम को बढ़ाने वाले बड़े होते हैं जो आके कहते हैं कि जी ओ हो सत्यानाश हो गया. इसी केस को लेकर आप यूके चले जाएं, अमेरिका कनाडा चले जाएं, इतना बुरा भी नहीं है. हाँ. इतना बड़ा टेबू भी नहीं है. यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, माशरे ने कबूल नहीं किया. और फरा हमें मानना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है कि हमारा माशरा जिसके बड़े पॉजिटिव्स हैं, हमारी पाकिस्तानियत बड़ी अच्छी है, हमारे कल्चर की बाज़ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हमारे माशरे का एक पहलू बीमार है और वो रिश्तों का पहलू. हाँ, हम रिश्तों में बहुत बीमार लोग हैं, हम लोग अच्छी तरबियत करते नहीं. यूरोप में और अमेरिका में फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता, वहाँ पे तो वो मॉम्स भी हैं जिन्होंने सारी जिंदगी शादियां नहीं की लेकिन उनकी औलादे हैं और उन औलादों को लेजिटिमेसी भी हासिल है, सारे राइट्स भी हासिल है. प्लस वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, वहाँ पे हेल्थ फ्री है, वहाँ पे बच्चा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वालदा को उस अजाब में से नहीं गुजरना पड़ता कि उसने जाके उसके लिए कमाई भी करनी है, उसकी सेहत को भी देखना है, उसकी जिंदगी को भी देखना है, उसकी एजुकेशन को भी देखना है, उसके सर पे छत को भी देखना है. फिर ऑन टॉप ऑफ दैट अगर वो कमा रही है
तो कहीं मेरा ख्याल है सिंगल पेरेंट को कोई रिबेट हासिल नहीं है टैक्स में, उसने अपनी कमाई में से टैक्स भी उतना ही देना है जितना कि कोई दूसरा शख्स दे रहा है। उसको किसी जगह पे किसी कानून में कोई ऐसा एक्स्ट्रा प्रिविलेज हासिल नहीं, जबकि उसके बच्चे जो हैं वो लेजिटिमेट बच्चे हैं, वो एक जायज रिश्ते के नतीजे में पैदा हुए बच्चे, वहाँ पे तो नाजायज बच्चे जो हैं उनको भी पाला जाता है, तो यहाँ पर तो जायज को भी नहीं पाला जाता। पालते वहाँ पे भी खुद है, मेरी बहन रहती है यूके में जी, मगर इतने जवानी में वो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, लेकिन करना यहाँ पे तो फिर भी मुलाजिम या रिश्तेदार होता है ना, कोई बहन मिल गई या वहाँ पे औरत को सब कुछ खुद करना, वो ठीक है वो काम कर ले, लेकिन जो आपका ये है ना कि स्कूल जा रहा बच्चा एजुकेशन फ्री है, हेल्थ उसके फ्री है, आपकी आपकी बहुत सारी टेंशन नहीं है फाइनेंशियली, थोड़ा यहाँ पर एक औरत बेवा होती है तो उसको मशीन चलानी पड़ती है, उसको लोगों की बातें भी सहनी पड़ती हैं, उसको घर के खर्चे भी चलाने पड़ते हैं, उसको वो पैसे भी लाने पड़ते हैं, उसको कोई लाके देने वाला नहीं होता, इंक्लूडिंग स्टेट इंक्लूडिंग रिश्तेदार। तो इसलिए हम अपने सिस्टम का कंपैरिजन वेस्ट और यूरोप से बिल्कुल नहीं कर सकते, हम दो मुख्तलिफ दुनिया हैं। मानना पड़ेगा कि अगर ये 100 केस हैं सिंगल पेरेंटिंग के, 100 केस हैं, इन 100 में से 3-4 ऐसे केस आपको उनके बच्चे ज्यादा कामयाब होते नजर आएंगे, 97 के डैमेज मिलेंगे आपको, ढूंढना पड़ेगा हुआ क्या। पता लगा कि वो जो 3 केस थे उसमें सिंगल पेरेंट मदर, उसने रियलाइज कर लिया कि ये पेन मेरा तो शायद बहुत बड़ा बर्तन है जिसमें पेन रख सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का बर्तन उतना बड़ा नहीं है, ये पेन जो कि मुझे मिली हुई है अगर मैं इसको दे दूंगी या इसे सिखा दूंगी पेन में रहना, इसकी जिंदगी नहीं गुजरेगी। फरा हमें एक ये भी अलमिया मानना चाहिए कि हमारी बहनें हमारी फैमिलीज में बची हैं जो सिंगल हो जाती हैं, लाशौरी तौर पर बदला लेना चाहती हैं, लाशौरी तौर पर